हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब 2020 समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 2020 में आपको कई बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे पावरफुल स्मार्टफोन्स मार्केट के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, अब नए साल की शुरुआत हो चुकी है और दोस्तों, इस साल में भी आपको कई बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे पावरफुल स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप अभी एक बढ़िया और अच्छा 20,000 रुपए तक की कीमत का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपको मार्केट के अंदर लगभग 20,000 रुपए से कम कीमत के अंदर देखने को मिलते हैं और इनके अंदर आपको बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रियलमी 7 सीरीज को कंपनी ने सितंबर में मार्केट में लॉन्च किया था और इसके अंदर आपको कई बढ़िया बढ़िया पावरफुल स्मार्टफोन देखने को मिले थे। और दोस्तों, इसी में से रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन भी एक स्मार्टफोन है जो कि दोस्तों कंपनी का पावरफुल स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको कंपनी ने पावरफुल फीचर्स दिए हैं। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि पंच होल नोच के साथ आती है। और इसके अंदर आपको दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको रियर कैमरा तो बढ़िया देखने को मिलते ही हैं, इसके साथ ही दोस्तों, इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन का चिपसेट दिया है जो कि आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों, रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 65 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही दोस्तों, इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर भी 65 वाट का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, अभी ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के लगभग 20,000 रुपए में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है मोटोरोला कंपनी का मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन। दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको कंपनी ने जबरदस्त फीचर्स दिए हैं और इस स्मार्टफोन का लुक और इसके डिजाइन भी दोस्तों बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी है जिसके अंदर आपको दोस्तों HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको बढ़िया कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको दोस्तों पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन का पावरफुल चिपसेट दिया है जो कि आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 15 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको कंपनी ने 5000 mAh की पावरफुल बैटरी दी है जिससे आपको यह स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देगा। तो दोस्तों, यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, अभी ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 17,500 रुपए में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है सैमसंग कंपनी का सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया और अच्छे पावरफुल फीचर्स भी दिए हैं। और दोस्तों, स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी बढ़िया है क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने एल टाइप में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है और इसके अंदर आपको इन्फिनिटी ओ शेप की नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो दोस्तों, स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर भी आपको कंपनी ने बढ़िया और अच्छे कैमरा सेंसर दिए हैं और इसके अंदर भी आपको दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिससे आप बड़ी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो कॉलिंग आदि कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको सैमसंग का ही चिपसेट देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने सैमसंग के X96611 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों, सैमसंग X96611 भी कंपनी का पावरफुल चिपसेट है, यह आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों, स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट
बेस्ट स्मार्टफोन की बैटरी ही है, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 25 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000 mAh की पावरफुल बैटरी दी है, जिससे दोस्तों आपको यह स्मार्टफोन बढ़िया और अच्छा लॉन्ग पावर बैकअप देगा। तो दोस्तों यदि आप एक बड़ी बैटरी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बढ़िया और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों अभी ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 20,000 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन भी आपके लिए एक बढ़िया और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्ट। दोस्तों यह स्मार्टफोन भी मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया और अच्छे फीचर्स भी दिए हैं, और दोस्तों इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो दोस्तों अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की पंच होल नॉच डिस्प्ले दी है, और इसकी कॉर्निंग पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक मिरर के ऊपर आपको कंपनी ने 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको कैमरा सेंसर तो रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन की तरह ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर भी रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन की तरह ही देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 720 का चिपसेट दिया गया है और ये मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5020 mAh की पावरफुल बैटरी दी है, जिससे दोस्तों आपको यह स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देगा। तो दोस्तों स्मार्टफोन में भी आपको पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपके लिए रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन भी एक बढ़िया और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों अभी यह स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 17,000 रुपए से भी कम कीमत के अंदर देखने को मिलता है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है पोको X3 स्मार्टफोन। तो दोस्तों पोको X3 स्मार्टफोन को कंपनी ने कुछ दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च किया है, और दोस्तों यह स्मार्टफोन भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको कंपनी ने बढ़िया फीचर्स दिए हैं। तो दोस्तों अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 6.67 इंच की फुल HD पंच होल नॉच डिस्प्ले दी है, जिसके अंदर आपको दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन की तरह ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने क्वेड रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों रियर कैमरा के मामले में तो यह स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा सिर्फ 20 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, दोस्तों इस स्मार्टफोन को नंबर 1 पर रखने का मेन कारण इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर ही है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट दिया है, जो कि कंपनी का लेटेस्ट चिपसेट है। यह आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने बढ़िया और अच्छा पावरफुल चिपसेट दिया है। और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000 mAh की पावरफुल बैटरी भी दी है। तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको बैटरी भी पावरफुल देखने को मिलती है, और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर भी 33 वाट का मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आप पोको X3 स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 17,000 रुपए में मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे पोको X3 स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।